तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज है हमारे पास होंडा की साइन 125 BS6 मॉडल। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं कि इस बाइक में आपको क्या एडवांटेज देखने को मिलेंगे, क्या अच्छी चीज देखने को मिलती है और किस वजह से इस बाइक को आप लोग को लेना चाहिए और कौन सा ऐसा फीचर्स है जो कि इस बाइक को खास बनाता है। और साथ ही साथ इसकी प्राइस की भी बात करेंगे कि 2021 में होंडा साइन 125 BS6 मॉडल आपको कितने में देखने को मिलेगी, सब कुछ आप इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप लोग इस बाइक को लेने वाले हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ये बाइक आपके लिए अच्छी है या फिर नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजी और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे आपने अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आप आगे आने वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और एक बात और दोस्तों, अगर आपको होंडा साइन 125 BS6 मॉडल का डिटेलेड रिव्यू वीडियो देखना है या फिर किसी भी कलर वेरिएंट का वीडियो देखना है तो वो मैंने पहले बना रखा है। तो अगर आपको उन कलर वेरिएंट के वीडियो को देखना है या फिर डिटेलेड रिव्यू देखना है तो ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाएंगे तो उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं तो वो है इसका लुक, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि इसके जो बॉडी पे जो ग्राफिक्स का यूज किया गया है वो काफी अच्छे फिनिश के साथ किया गया है जो कि काफी अच्छा और काफी प्यारा लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक के दोनों साइड में आप देख सकते हैं होंडा का 3D एम्बल लोगो देखने को मिल जाता है जो कि इस बाइक को और भी ज्यादा प्रीमियम बना देता है। और एक बात और दोस्तों आपको बता दूं, जो BS4 आती थी ना उसमें इसका नाम जो था ना वो CB साइन के नाम से आती थी, लेकिन अब आपको BS6 अपडेट के बाद ये साइन 125 के नाम से आती है। तो लुक वाइज ये बाइक जो है ना काफी अच्छी लगती है, मुझे तो इसका लुक काफी अच्छा लगता है, इसकी जो ग्राफिक्स है ना वो भी काफी अच्छी लगती है। तो आप लोग को इसकी ग्राफिक्स और इसका लुक कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके नेक्स्ट एडवांटेज पॉइंट के बारे में जो कि इसका ब्रेकिंग है। तो इसमें आपको ब्रेकिंग वाइज ये जो बाइक है ना काफी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको डिस्क ब्रेक के साथ साथ इसमें आपको CBS सिस्टम मिल जाता है, यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। तो इसमें आपको जो ब्रेकिंग क्वालिटी मिलने वाली है वो भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और एक बात और दोस्तों, इसमें आपको डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक का दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग को डिस्क ब्रेक की बाइक पसंद है तो आप लोग डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट ले लीजिएगा, अगर आपको ड्रम मॉडल पसंद है तो आप लोग ड्रम मॉडल वाला ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये इस बाइक का दूसरा एडवांटेज है जिसकी वजह से आप लोग को इस बाइक को लेना चाहिए। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके नेक्स्ट एडवांटेज की। तो अब इसमें आपको BS6 अपडेट के बाद इसमें आपको इंजन कूल स्विच देखने को मिल रहा है जो कि BS4 में देखने को नहीं मिलता था, तो ये काफी अच्छा अपडेट किया गया है होंडा की तरफ से। तो अब इसमें आपको जो इंजन होता है ना उसको ऑफ करने के लिए आपको की ऑफ करने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग अपने इंजन कूल स्विच से ही आप लोग अपने इंजन को ऑफ कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा अपडेट किया गया है होंडा की तरफ से इस बाइक में। तो ये था इस बाइक का तीसरा एडवांटेज पॉइंट जो कि इस बाइक को खास बनाती है। और वहीं बात करें इसके नेक्स्ट एडवांटेज की, तो अब इसमें आपको 5 गियर देखने को मिल जाता है। अगर आप इस बाइक को 5वें गियर पे राइड कर रहे हैं ना तो आपको इस बाइक से काफी अच्छा स्मूथनेस फील होने वाला है राइडिंग के टाइम पे। पहले इसमें आपको BS4 में इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 गियर बॉक्स देखने को मिलते थे, लेकिन अब आपको BS6 अपडेट के बाद इसमें आपको 5 गियर देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छा अपडेट किया गया है स्मूथनेस को ध्यान में रखते हुए। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके नेक्स्ट एडवांटेज की, तो अब इसमें आपको BS6 इंजन देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से इसका जो इंजन का जो रिफाइनमेंट मिलेगा ना वो आपको पहले से और भी ज्यादा बेहतर हो गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो होंडा की बाइक का जो इंजन आता है ना काफी रिफाइन इंजन होता है। तो अब इसमें आपको BS6 इंजन होने की वजह से और भी ज्यादा इस बाइक का जो इंजन है ना और भी ज्यादा रिफाइन हो चुका है, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, तो इसमें आपको फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो मिलता है वो आपको FIL सिस्टम मिलता है, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। पहले इसमें आपको BS4 में आपको कार्बोरेटर मिलता था, लेकिन अब आपको BS6 अपडेट के बाद इसमें आपको FIL सिस्टम देखने को मिल रहा है। इसका यूज ये होता है कि आपका जो पेट्रोल होगा वो इंजन में इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के अकॉर्डिंग सप्लाई होगा और उतना ही पेट्रोल सप्लाई होगा जितना कि आपके इंजन को जरूरत होगी, तो इसका सीधा असर आपके माइलेज पे देखने को मिलेगा। तो अब इसमें आपको जो माइलेज मिलेगा ना वो पहले से और भी ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा, तो ये इस बाइक का एक एडवांटेज ही मान लीजिए आप लोग। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, तो अब इसमें आपको ESP टेक्नोलॉजी मिल जाता है, यानी कि इनहेंस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी देखने को मिल रहा है। इससे आपकी जो बाइक है ना वो साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो अगर आप लोग ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे थोड़ा सा साउंड करना अलाउ नहीं है तो वहाँ के लिए आप लोग के लिए ये बाइक यूजफुल हो सकती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में,
में जो कि इसका पिकअप है। तो इसका जो इनिशियल पिकअप है ना सीबी साइन 125 BS6 मॉडल का, वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको जो पिकअप मिलेगा ना आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलता है, जो कि इस बाइक को और भी ज्यादा खास बनाती है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, जो कि इसका प्राइस है। तो प्राइस वाइज ये जो बाइक है ना काफी अच्छी है, क्योंकि इसका जो प्राइस है ना वो काफी अच्छा रखा गया इस बाइक के फीचर्स की अपेक्षा में। तो इसमें आपको दो मॉडल मिलता है, जिसमें से पहला है ड्रम मॉडल, जिसकी एक्सोरूम प्राइस पड़ेगी लगभग आप मान के चलिए 69,283 रुपीज एक्सोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और अगर हम बात करें इसके कंप्लीट प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो लगभग आप लोग मान के चलिए 82,000 to 84,000 के बीच में आपको कंप्लीट होंडा सीबी साइन 125 BS6 मॉडल का ड्रम मॉडल देखने को मिल जाएगा। और इसका जो दूसरा वेरिएंट आता है वो आता है डिश वेरिएंट, जिसकी एक्सोरूम लगभग आप मान के चलिए वो पड़ेगी 73,984 रुपीज एक्सोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और अगर हम बात करें इसके कंप्लीट प्राइस के बारे में, वो लगभग आप मान के चलिए 87,000 to 88,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के कुछ एडवांटेज जो कि इस बाइक को खास बनाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग को इस बाइक को लेनी चाहिए। और अगर आप लोग मेरे अकॉर्डिंग पूछते हैं कि भाई आप बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग ये बाइक क्यों लेनी चाहिए, तो हम आपको बता दें इसके तीन वजह हैं, जिसमें से पहला है वो है इसका प्राइस, जो कि काफी अच्छा रखा गया है इस बाइक को ध्यान में रखते हुए। इसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं ना उसकी अपेक्षा में इसका जो प्राइस रखा गया है वो आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और इसका जो दूसरा वजह है वो है होंडा का इंजन, जो कि काफी रिफाइन इंजन होता है। और आप लोग को हम हमेशा बोलते हैं कि जो होंडा का इंजन होता है ना काफी रिफाइन है, उसकी जो लाइफ होती है काफी ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू अदर कंपनी की बाइक की इंजन की अपेक्षा में। और इसका जो तीसरा वजह है वो है इसका माइलेज, जो कि काफी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इसमें आपको BS6 इंजन देखने को मिलता है, FI सिस्टम देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से इसका जो माइलेज मिलेगा ना आपको BS4 की अपेक्षा में और भी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है। तो आप लोग मान के चलिए इसका जो माइलेज मिलेगा आपको 60 से 65 का माइलेज ये आपको आराम से देखने को दे देगी। और अगर आप इस बाइक को नॉर्मल स्पीड में राइड करते हैं, इकोनॉमिक मूड में राइड करते हैं, तो ये आप मान के चलिए 65 से 70 का माइलेज ये आपको आराम से देखने को दे देगी, जो कि काफी अच्छा माइलेज है। तो दोस्तों ये थे मेरे अकॉर्डिंग इस बाइक के कुछ वजह जो कि इस बाइक को खास बनाते हैं, जिसकी वजह से इस बाइक को आप लोग को लेना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग इसमें आपको क्या अच्छी चीज लगती है, आपके अकॉर्डिंग ये बाइक क्यों लेनी चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये बाइक अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और एक बात और दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस बाइक के बारे में कमियों के बारे में आएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी बाइक पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होती है, हर किसी बाइक में थोड़ी बहुत कमियां होती हैं। तो इसका जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में हम इसके कमियों के बारे में बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करते हैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आपको हमसे डायरेक्ट बात करना है तो आपको स्क्रीन पे हमारी इंस्टाग्राम ID शो हो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। अब तक खुश रहिए, मुस्कुराते, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।